नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की एफपीओ के लिए एक स्कीम है, सेंट एग्री इन्फ्रा स्कीम। इस स्कीम के अंतर्गत एफपीओ को पोस्ट हार्वेस्टिंग एक्टिविटी के लिए, यदि जैसे मान लीजिए एफपीओ कोई प्रोसेसिंग यूनिट डालना चाहता है, कोई राइस मिल, फ्लोर मिल या अन्य कोई प्रोसेसिंग प्लांट डालना चाहता है, तो इस स्कीम के तहत वह सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से लोन ले सकता है। इसके लिए एफपीओ एलिजिबल है। इस स्कीम के अंतर्गत एफपीओ को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से टर्म लोन प्राप्त हो सकता है। इस स्कीम में जो मार्जिन मनी है वो एफपीओ को प्रोजेक्ट कॉस्ट के 10% मार्जिन मनी लगेगी। जैसे 1 करोड़ का प्रोजेक्ट है तो 10 लाख रुपए एफपीओ के पास मार्जिन मनी के रूप में होना चाहिए। अब हम बात करते हैं इसमें सिक्योरिटी क्या क्या लगेगी। तो जो असेट्स आप बैंक फाइनेंस से लेंगे वह असेट्स जो है वह हाइपोथिकेशन में रहेगी। इसके अलावा कोलेट्रल सिक्योरिटी भी लगेगी, परंतु यदि आप 2 करोड़ रुपए तक का लोन रहते हैं तो उसमें सिक्योरिटी की आवश्यकता नहीं होगी। वह सेंट्रल गवर्नमेंट का CGT MSE एक फंड है, उसके अंतर्गत उससे जो है सिक्योरिटी पूरी हो जाएगी। तो 2 करोड़ तक के लोन के लिए आपको सिक्योरिटी की आवश्यकता नहीं होगी। इसके बाद हम बात करते हैं तो इसमें जो इंटरेस्ट रेट है वह 2 करोड़ रुपए तक अधिकतम 9% का इंटरेस्ट रेट रहेगा। इसमें इंटरेस्ट सबवेंशन भी प्राप्त होगा, मतलब जैसे 2 करोड़ रुपए तक का आपका लोन है तो उसमें आपको 3% इंटरेस्ट सबवेंशन प्राप्त होगा इसी स्कीम के तहत, है ना, CGTMSE के तहत। तो आपको जैसे 9% इंटरेस्ट है तो 6% इंटरेस्ट लगेगा। यह लोन अधिकतम आपको 7 वर्षों तक के लिए प्राप्त होगा। इसके बाद बात करते हैं कि इसमें जो है प्रोसेसिंग फीस क्या लगेगी। तो जैसे अब 3 लाख रुपए तक का जो लोन है वहाँ तक प्रोसेसिंग फीस जो है निल रहेगी। 3 लाख से ऊपर पे जो 50% अमाउंट है उस पर 1.25% जो है वो आपको प्रोसेसिंग फीस लगेगी। ठीक है, यह अधिकतम 7 वर्षों के लिए हो सकता है और इसमें 2 वर्ष का मॉरेटोरियम पीरियड भी ऐड हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो यदि कोई भी एफपीओ या सेल्फ हेल्प ग्रुप पोस्ट हार्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंतर्गत पोस्ट हार्वेस्टिंग एक्टिविटी का कोई प्रोजेक्ट या प्रोसेसिंग प्लांट डालना चाहता है तो वह सेंट्रल बैंक से सेंट्रल एग्री इंफ्रा स्कीम के तहत लोन के लिए अप्लाई कर सकता है और वहां से लोन प्राप्त करके अपना प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट कर सकता है। दी गई जानकारी उपयोगी हो, महत्वपूर्ण हो तो अन्य लोगों तक इसे पहुँचाने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।